हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स। आज हम घन के अनुप्रयोग से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे बेटा। क्या 675 एक पूर्ण घन है? इज इट ए परफेक्ट क्यूब? तो हमें क्या करना है, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करके चेक करेंगे। घन बनाने के लिए हमें तीन तीन का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो ये इसके इकाई पर 5 है तो 5 से चला जाएगा। ध्यान से आपको भाग करते जाना है। अब आप देखिए, 3 की घात तो 3 आ रही है, 3 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन 5 हमारे पास सिर्फ 2 ही बार दिखाई दे रहा है ना, तो ये 5 का कॉम्बिनेशन कब बनेगा 3 का? जब इसे 1 और 5 से गुणा कर दिया जाए। तो अभी हम पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, ये एक पूर्ण घन नहीं है। पहले तो इसी को लिख देते हैं, ये है 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। अब आप लिखेंगे 675 एक पूर्ण घन नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब उसने पूछा है, बताइए अगर ऐसा नहीं है तो कौन सी संख्या से गुणा करें जिससे ये पूर्ण घन बन जाए। तो हमारे पास कितने की कमी है, 1 5 की। तो अगर हम 1 5 से गुणा कर देंगे तो फिर 5 का भी कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा और फिर ये पूरा घन बन जाएगा। सो दिस इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट करते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिससे 704 को भाग करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। तो अगेन वही प्रोसेस करेंगे, पहले हम 704 को अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। इकाई पर सम संख्या है तो 2 से भाग किया आपने, 11। अब उसने पूछा है, अभी भी आप देखिए, ये 3 का कॉम्बिनेशन बन गया, ये भी 3 का बन गया, लेकिन 11 हमारे पास एक अकेला है। तो या तो इसको 2 11 से गुणा करो या इससे ये 11 भी हम हटा लें, भाग कर दें इससे, है ना, तब हमारा ये पूरा घन बन पाएगा। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे, 704 बराबर 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 11। अब की बार उसने भाग करने के लिए पूछा है, तो जो भी आपके पास एक जिसका कॉम्बिनेशन पूरा नहीं है उस संख्या को हम हटा देंगे, हटाने के मतलब उससे भाग कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे ये पूर्ण घन नहीं है और पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 11 से भाग करना पड़ेगा। अगर वो पूछता किससे गुणा करें तो हमें 2 11 से गुणा करना पड़ता, 11 गुणा 11, है ना, 2 कॉम्बिनेशन इससे और देते हम, तब जाके 11 का 3 बार कॉम्बिनेशन पूरा हो पाता। अब क्योंकि भाग करने के लिए पूछा है तो ये जो एक अकेला 11 है इससे हम इसे भाग कर देंगे। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।